हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में बच्चों, हमें फोर वेरिएबल्स के फंक्शन को मिनिमाइज करना सीखना है यूजिंग के मैप। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फोर वेरिएबल से ही क्वेश्चन क्रिएट होता है आपके एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी के पेपर में। इसलिए सब बच्चे आज का लेक्चर बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और अभी तक जो भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं रिलेटेड टू के मैप, वो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसलिए सब बच्चे इस लेक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन फिर से वही है कि मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, और आपको इस क्वेश्चन को, इस बुलियन फंक्शन को के मैप से मिनिमाइज करना है। तो शुरू के दो स्टेप्स जो आप आंख मूंद के कर सकते हो, कि सबसे पहले आपको फोर वेरिएबल्स के लिए के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि फोर वेरिएबल्स का के मैप कैसे ड्रॉ करना है, कितने सेल्स आएंगे, उन सेल्स के करेस्पॉन्डिंग डेजिग्नेशन क्या होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली है। ठीक है, अब उसके बाद का जो स्टेप होता है बच्चों, ये जो डेजिग्नेशन है, इन्हें हमें सेल के अंदर भरना होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये डेजिग्नेशन आ रहा है, उन उन सेल में आपको क्या फील करना है बच्चों, वन वन। तो आइए, यहाँ पे देखिए, जीरो गिवन है, तो जीरो पे हमने वन भर दिया। वन गिवन है, फोर, फाइव, देन सिक्स, और सिक्स के बाद है बच्चों नाइन, इलेवन, ट्वेल्व, और आखिरी में है फिफ्टीन। ठीक, अब इसके बाद क्या करना होता है, मैपिंग करना होता है। हमने टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स में मैपिंग करना सीखा है, ग्रुपिंग करना सीखा है। ठीक है, तो ग्रुपिंग का बच्चों जो प्रियोरिटी होता है, वो क्या होता है, ऑक्टेट होता है। तो सबसे पहले हम ऑक्टेट ढूंढेंगे कि क्या यहाँ पे वंस के ग्रुप का कोई ऑक्टेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों, शायद इस क्वेश्चन में ऑक्टेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑक्टेट नहीं बनता है, तो फिर किस पे आते हैं हम लोग बच्चों, क्वाड पे आते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, साफ साफ आपको क्वाड दिख रहा है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ग्रुपिंग हम उन्हीं वंस का करेंगे जो एडजेसेंट आपस में होगा। तो ये हमें दिख रहा है एडजेसेंट। तो आइए हम इनको ग्रुप करते हैं। ये देखिए क्वाड बन गया। बस समझ में बच्चों, यहाँ एक चीज छूट रहा है, थ्री मैंने नहीं लिखा हुआ है। थ्री पे भी तो वन है, जीरो वन थ्री भी है। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे एक क्वाड बना लिया। अब आप क्या करोगे, और ढूंढो क्वाड कहीं ढूंढो। तो इधर तो कहीं दिख नहीं रहा है, इधर भी नहीं दिख रहा है, इधर देखिए, इधर क्वाड आपको दिख रहा है। अगर इन दोनों वन को, ये देखिए, इन दोनों वन को इन दोनों वन के साथ ग्रुप कर दिया जाए। भाई मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो फर्स्ट सेल है और लास्ट सेल है, ये एडजेसेंट होता है, क्योंकि दोनों में वन बिट का ही डिफरेंस होता है। तो आप इन सेल के वंस की ग्रुपिंग इन सेल के वन वन के ग्रुपिंग के वन के साथ आप ग्रुपिंग कर सकते हो। ऐसे ही इन इस सेल में जितने भी वंस हैं, उनकी ग्रुपिंग आप इस वाले सेल के वन के साथ ग्रुपिंग कर सकते हो। तो क्या बच्चों, अगर मैं इस दो वन को इसके साथ ग्रुप्ड कर दूं, तो क्या यहां से एक क्वाड बन जाएगा, और इस क्वाड से वन टू थ्री, तीन वन ग्रुप्ड हो गए। बात समझ में आई आपको? एक तरीके से मैं और समझा सकता हूं कि जैसे आप इस इन दोनों वंस को इन दोनों वन पे फोल्ड करते हो। आप देखिए ना, के मैप को यहां से आप फोल्ड करो, तो ये दोनों वन इस दोनों वन पे सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है, सुपर इम्पोज होता है, मीन्स वो दोनों सेल क्या है, एडजेसेंट है बच्चों। इसलिए आप इन दो वन को लेके इन दो वन के साथ क्वाड बनाओगे। बात समझ में आई भाई? क्वाड समझ में आया कि नहीं आपको?
अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो आगे के क्वेश्चन में उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए तो ये एक क्वाड ये बन गया। अब ध्यान से देखिए ये वाला वन इसको करिए ग्रुप, तो कहीं भी क्वाड शायद नहीं बनाएगा और इसका एडजेसेंट सिर्फ ये है और कोई एडजेसेंट तो है नहीं, तो यहाँ बच्चों क्या बनेगा, पेयर बनेगा। यहाँ पे देखिए पेयर बनेगा, ठीक है। इस वन का क्या करोगे आप, तो आप इसके साथ पेयर बना लो। अब इसका क्या करना है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सिंगल टर्म बनेगा, जिसने सिंगल टर्म बनाया उसका पूरा सलूशन गलत हो जाएगा। बच्चों इसका एडजेसेंट कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये वाला सेल इस सेल के एडजेसेंट में है, दैट्स वाई वी कैन ग्रुप दिस वन टू दिस वन। आप इस वन को इस वन के साथ ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। भाई जब पेयर बन रहा है तो हम सिंगल टर्म क्यों बनाएंगे, बात समझ में। जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इसको सिंगल टर्म बना सकते हैं अगर कोई एडजेसेंट नहीं है। अरे भाई एडजेसेंट यहाँ है ना, पेयर बन रहा है ना, तो क्यों हम सिंगल टर्म बनाएंगे। जब हम थक जाएंगे पेयर पेयर से, अगर कहीं पेयर नहीं बनेगा तब हम सिंगल टर्म पे आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जितने भी मैंने ग्रुपिंग बनाया बहुत ज़्यादा हॉचपॉच हो गया इसमें, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रिडंडेंट टर्म आ रहा है। तो आप को अगर केमैप के अंदर कहीं भी रिडंडेंट टर्म आएगा तो उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो आखिरी स्टेप मैंने बताया था बच्चों कि आप यहाँ आखिरी स्टेप भी अप्लाई करके चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रिडंडेंट टर्म है। तो क्या तरीका मैंने बताया था रिडंडेंट टर्म ढूंढने का, मैंने बताया था कि जितने ग्रुप हैं उन ग्रुप को बारी बारी से आप रिमूव करो। तो देखिए अगर आप स्क्वाड को रिमूव करते हो बच्चों, अगर स्क्वाड को आप रिमूव करते हो तो क्या होगा, अगर आप स्क्वाड को रिमूव करोगे तो ये वन तो नहीं छूटेगा, ये वाला वन और ये वाला वन छूट जाएगा बच्चों, देखिए ना इनकी ग्रुपिंग छूट जाएगी। तो हमें स्क्वाड को नहीं हटाना है, बड़े इस वाले क्वाड को हटाते हैं। अगर आप स्क्वाड को रिमूव कर दोगे तो ये वाला वन आप रिमूव करके देखना, तीन चार बार के मैप को बनाना, एक एक ग्रुप को एक एक ग्रुप के रिमूव करके एक एक डायग्राम बनाना, तब आप चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो अगर बच्चों आप इसको रिमूव करते हो तो किस वन का नुकसान होगा, इसका नुकसान हो जाएगा और इसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको ये क्वाड रिमूव नहीं करना है। ये वाला पेयर नहीं रिमूव करना है क्योंकि ये छूट जाएगा, ये वाला पेयर भी नहीं रिमूव करना है क्योंकि ये छूट जाएगा, और इस पेयर को भी बच्चों रिमूव नहीं करना है क्योंकि इधर आप रिमूव करोगे इसको तो ये बेचारा छूट जाएगा। तो यहाँ हमने हर ग्रुप को रिमूव कर करके चेक कर लिया कि ऐसा तो नहीं है कि हमने जबरदस्ती ग्रुपिंग की है, तो ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं है। इसलिए बच्चों यहाँ तक जो स्टेप है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब हर ग्रुपिंग के लिए हम टर्म को लिखेंगे, तो आइए लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों स्क्वाड के लिए लिखो, स्क्वाड के लिए क्या आएगा, स्क्वाड के लिए हम लिखते हैं, बताइए स्क्वाड के लिए। तो ध्यान से देखिए आप, इधर देखिए, इधर इधर क्या कॉमन है, ए बी को देखिए और सी डी को देखिए। तो ए बी को जब हमने देखा तो ए बार कॉमन मिला, और सी डी में देखा तो सी बार कॉमन मिला, तो यहां से हो जाएगा ए बार सी बार। ऐसे ही आप इस वाले क्वाड को देखिए, ये वाला क्वाड, तो इधर देखिए बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है, बी बार कॉमन है और ऊपर से डी कॉमन है, तो इस वाले क्वाड के लिए क्या हो जाएगा, बी बार डी। बात समझ में आएगी नहीं। ऐसे ही बच्चों इस पेयर के लिए क्या होगा, लिखते हैं इस पेयर के लिए आप लिखो क्या होगा, इधर से हो गया बी, ये देखो ना बी ही कॉमन है और ऊपर से सी बार डी बार, तो B C बार D बार। इस पेयर के लिए क्या होगा, तो इधर से बच्चों देखो क्या कॉमन है, A और ऊपर से सी डी, तो A C D, एक पेयर और बच रहा है ये वाला, तो इसका क्या होगा। तो ध्यान से देखो, इधर तो पूरा A बार B कॉमन है और इधर से क्या कॉमन है, ध्यान से देखो
इस वन के लिए देखो क्या कॉमन है, डी बार, तो ए बार बी डी बार, ए बार बी डी बार। अब सारे टर्म्स को हमें क्या करना है, सम करना है। तो इसको जरा नीचे कर देते हैं, तो आंसर में क्या लिखोगे बच्चों, F is equal to A bar C bar plus B C bar D bar plus B bar D plus A C D plus A bar B D bar। बस समझ में आई? आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसे मिनिमाइज करना है फंक्शन को आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए पहले खुद कीजिए फिर मैच कराइए। तो चलिए आइए करते हैं इसको। वन, ये देखिए, 1 5 6 देन 7 11 11 कहाँ, यहाँ पे 12 13 एंड 15। चलिए अब करते हैं हम ग्रुपिंग। तो कैसे ग्रुपिंग करोगे, तो सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है क्वाड, तो हमने यहाँ पे क्वाड बना लिया। क्वाड के बाद ये पेयर, फिर इसका पेयर, और फिर इसका पेयर, और फिर इसका पेयर, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये इसकी ग्रुपिंग हमने कर ली। अब यहां से आपको खुश नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको लगता है आपने सही किया है, तो बच्चों यहां जो हमने स्टेप्स किए हैं इनमें एक स्टेप गड़बड़ है, गलत है। अब आप सोच रहे हो कि क्या, मैं बार बार आपसे ये जोर दे रहा हूँ कि जो आखिरी स्टेप है रिमूव रिडंडेंट टर्म, उसको जरूर आप अप्लाई कीजिए। एग्जाम में बहुत इस तरह का डाउटफुल क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आखिरी स्टेप आपको जरूर फॉलो करना है, रिमूव रिडंडेंट टर्म, मीन्स एक एक ग्रुप को रिमूव कर करके हमें रिडंडेंट टर्म को रिमूव करना है, ठीक है बच्चों। तो आइए ढूंढते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको रिमूव करते हो, अगर इसको आप रिमूव करते हो तो ये वाला छूट जाएगा, इस पेयर को आप रिमूव करते हो तो ये छूट जाएगा, इस पेयर को रिमूव करते हो तो ये वाला वन छूट जाएगा, इस पेयर को आप रिमूव करते हो तो इसकी ग्रुपिंग छूट जाएगी। लेकिन अगर आप क्वाड को रिमूव कर दो, आइए मैं दिखाता हूँ आपको क्वाड को रिमूव करके। यहाँ पे देखिए, हमने क्वाड को रिमूव कर दिया, ये देखिए क्वाड यहां से रिमूव हुआ। ये देखिए, जब क्वाड यहां से रिमूव हुआ, तो आप मुझे बताओ क्या किसी वन का ग्रुपिंग छूटा, मींस किसी वन का कुछ घाटा हुआ, कुछ नुकसान हुआ किसी वन का? नहीं, सारे वन देखिए ग्रुप्ड है, इसलिए हमें इस क्वाड को क्या करना है बच्चों, रिमूव कर देना है। बात समझ आई भाई? एक तो तरीका ये है कि आप शुरू से ही ऐसे ग्रुपिंग करके चलिए कि जबरदस्ती किसी वन का ग्रुपिंग नहीं करना पड़े, और या तो आप जबरदस्ती कर दीजिए और उसमें आखिरी वाला जो स्टेप है वो अप्लाई कर दीजिए, जो रिमूव रिडंडेंट टर्म वाला स्टेप है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये जो मैंने फर्स्ट अप्रोच बोला कि आप शुरू से ही ऐसा ग्रुपिंग करके चलो कि जबरदस्ती ना करना पड़े, ये नहीं हो पाता है, ये अप्रोच नहीं हो पाता है बच्चों, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा अनुभव की आवश्यकता होनी चाहिए। तो ये शुरुआती स्टेज में नहीं कर पाओगे आप कि शुरू से ही आप ध्यान में रखते हुए ग्रुपिंग करो कि जबरदस्ती ग्रुपिंग ना करना पड़े। तो उसका सबसे सही तरीका, सबसे अच्छा उपाय ये है बच्चों
कि आप, मैं तो कहता हूँ जबरदस्ती ग्रुपिंग कर दो और आखिरी में लास्ट वाला स्टेप हर एक ग्रुप को रिमूव कर करके आपको क्या चेक करना है ये मैंने आपको बताया, उसको चेक कर लो कहीं कोई ऐसा बम तो नहीं है जो छूट रहा हो। अगर ऐसा अगर हो रहा है, छूट रहा है, तो नहीं आपको रिमूव करना है, और अगर छूट नहीं रहा है तो आप उसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो आपने देखा ये कितना डाउटफुल क्वेश्चन था, और मैक्सिमम स्टूडेंट से तो गलत, मैक्सिमम का लगभग हर स्टूडेंट गलत कर देता है जब इसको फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन करता है, क्योंकि उसको सीधे तुरंत क्वाड दिख जाता है और बना के सारा पेयर बना के खुश हो जाता है। बात समझ में आई बच्चों? तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, बल्कि मैं इसको इस कलर से बना देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने थोड़ा इसको अलग कलर से बना दिया, और इस कलर का मतलब ये हुआ कि आपको इसको रिमूव करना है। ठीक है बच्चों, आपको इसको करना है, रिमूव करना है। तो सारे ग्रुप के लिए हम लिखते हैं, बताइए इसके लिए क्या होगा, इस वाले के लिए क्या होगा, ये पेयर है तो इसके लिए होगा ए बी, ऊपर से हो जाएगा सी बार, तो ए बी सी बार। इस पेयर के लिए बताइए, इधर से हो गया कॉमन ए, ऊपर से सी डी, तो ए सी डी। इस वाले पेयर के लिए ए बार बी, इधर से ऊपर से सी, तो ए बार बी सी। और बच्चों इस पेयर के लिए बताओ, इधर होगा ए बार, ऊपर से सी बार डी, तो ए बार सी बार डी। ये तो आता है लिखने आपको, इसको बहुत ज्यादा हमको टाइम पास नहीं करवाना है आपसे। हाँ, ये वाला जो आया क्वाड का जो टर्म आया वो रिडंडेंट टर्म है, ठीक है, तो उसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। तो रिडंडेंट टर्म क्या होगा बच्चों, बी, भाई इधर से देखो ना कॉमन क्या है, बी, और ऊपर से कॉमन क्या है, डी। ठीक, तो बी डी इज द रिडंडेंट टर्म, ऐसा समझ में। तो फाइनल आंसर जब लिखोगे आप मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन को, तो उसमें इसको आपको नहीं लिखना है, तो क्या हो गया, ए बी सी बार प्लस ए सी डी, ए सी डी प्लस ए बार बी सी, ए बार बी सी प्लस ए बार सी बार डी, ए बार सी बार डी। बात समझ में आई कि नहीं? तो आपने देखा कि कैसे हमने रिडंडेंट टर्म को के मैप की मदद से ढूंढ लिया। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन कभी कभार ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट द रिडंडेंट टर्म इन द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। भाई एक तो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा कि इसको मिनिमाइज करो, या दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि भैया इसमें रिडंडेंट टर्म ढूंढो। तो मैक्सिमम स्टूडेंट तो सन्नाटे में चले जाएंगे कि अरे यार इसमें कैसे रिडंडेंट टर्म हम ढूंढेंगे, हमने तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं किया जिसमें रिडंडेंट के मैप से रिलेटेड जिसमें रिडंडेंट टर्म ढूंढना हो। बात समझ में आई बच्चों? तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैंने उसका तरीका बता दिया है। ठीक है, तो आप बड़े आराम से किसी भी लॉजिकल फंक्शन में अगर कोई रिडंडेंट टर्म प्रेजेंट है तो आप उसको ढूंढ सकते हो यूजिंग के मैप। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये है, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग हम वन को फिल करते हैं, वन फाइव एट, एट इधर है, नाइन इलेवन ट्वेल्व, ये इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन। ठीक, कैसे करना है इस क्वेश्चन को तो आप देख लो, सीधे सीधे आपको यहाँ दिख रहा है क्वाड, यहाँ क्वाड दिख रहा है आपको, और क्या दिख रहा है भाई, इधर एक क्वाड दिख रहा है आपको। इस वन का क्या करोगे, तो इस वन का यही सिर्फ एक एडजेसेंट है, तो इसका आप पेयर बनाओगे,
इस वन का क्या करना है, तो इसका भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा, और इसका एडजेसेंट बच्चों ये बनेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल टर्म आपको बनाना है, इसका क्या बनाना है, पेयर। तो इसका इसके साथ बना दीजिए पेयर। एक बार आखिरी वाला स्टेप जरूर चेक कर लेना। तो हालांकि इसमें किसी को रिमूव नहीं करना है, क्योंकि यही वाला क्वाड अगर आप रिमूव करते हो तो ये छूट जाएगा, पेयर रिमूव करोगे तो ये छूट जाएगा, इस पेयर को रिमूव करोगे तो ये छूटेगा, और इसको बड़े वाले क्वाड को, ये वाला जो क्वाड है इसको तो करना ही नहीं है रिमूव, क्योंकि ये दोनों वन छूट जाएंगे। तो ठीक है भाई, इसमें कोई रिडंडेंट टर्म नहीं है भाई। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में रिडंडेंट टर्म आपको मिले, ऐसा हमें। अब इसके आंसर लिखते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले क्वाड के लिए लिखते हैं क्या होगा, इधर हो जाएगा ए ऊपर से सी बार, ए सी बार। इस वाले क्वाड के लिए लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो सी बार डी। इस पेयर के लिए लिखते हैं ए बी और ऊपर से डी बार, तो ए बी डी बार। और बच्चों इस वाले के लिए हो जाएगा ए बी बार और ऊपर से कॉमन मिल गया आपको डी। अब आप इन सबका सम कर दो, तो ए सी बार प्लस सी बार डी प्लस ए बी डी बार प्लस ए बी बार डी, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में यहां देखो, आपको गिवन है 0 1 4 0 1 4 5, देन 8, उसके बाद 9 13 एंड 15। ठीक है, तो चलिए पहले खुद ट्राई कीजिए, खुद इस क्वेश्चन को करिए, फिर आप मैच कराइएगा। तो यहाँ बच्चों देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मिल गया आपको क्वाड, फिर एक क्वाड यहाँ पे है। अब बताओ इस वन का क्या करोगे? तो मैक्सिमम स्टूडेंट तुरंत इसके पेयर बना देंगे। गलत, गलत स्टेप। अरे भाई यहाँ देखो, क्या इस दो वन का इस दो वन के साथ क्वाड बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, अब इसका क्या करना है ढूंढिए, क्वाड वाड ढूंढिए, तो क्वाड कहीं दिख नहीं रहा है। इसके साथ आप पेयर बना सकते हो, इसका एडजेसेंट ये है, तो बच्चों आप इसके साथ इसका पेयर बना सकते हो। तो ये हमने बना दिया पेयर। अब देखा, ये तो हो गई ग्रुपिंग। आपको खुश नहीं होना है आखिरी स्टेप, क्योंकि इस क्वेश्चन में हो सकता है कि रिडंडेंट टर्म हो। तो चेक करते हैं, एक एक ग्रुप को हटाते हैं, एक एक ग्रुप को रिमूव करते हैं। तो आप इसको जब रिमूव करोगे तो ये देखो, ये वन छूट गया, तो हमें रिमूव नहीं करना है इसको, इसको ऐसे ही रहने देना है। इस क्वाड को आप रिमूव करो, इस क्वाड को अगर आप रिमूव करते हो तो क्या होगा, इस क्वाड को अगर रिमूव करते हो तो ये वाला छूट जाएगा बच्चों। ठीक है, ये वन का ग्रुप छूट जाएगा। फिर इस वाले क्वाड को आप रिमूव करो, तो इसको भी नहीं करना है, क्योंकि मान लो इसको रिमूव करते हो तो ये सेफ रहेगा, ये सेफ रहेगा, ये सेफ रहेगा, ये छूट जाएगा, इसकी ग्रुपिंग छूट जाएगी। इस क्वाड को आप रिमूव करो, जब आप इस क्वाड को रिमूव करते हो तो क्या होगा जरा देखते हैं। और शायद इसको रिमूव करना ही है, जरा देखो। रिमूव करने के बाद हमने चेक किया कि क्या हमने इस ग्रुप को जबरदस्ती किया है क्या, आइए देखते हैं रिमूव करके। ये देखिए, हमने इस ग्रुप को रिमूव कर दिया। अब आप मुझे बताओ, इसको रिमूव करने के बाद किसी वन का नुकसान हुआ, मीन्स किसी वन की ग्रुपिंग छूटी? नहीं छूटी। देखिए सारे वन मैप्ड है, इसका मतलब ये वाला जो क्वाड है ये जबरदस्ती बनाया गया है। तो ये क्वाड के करिस्पॉन्डिंग जो टर्म होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, रिडंडेंट टर्म हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं?
तो हमें आंसर में अपने मिनिमाइज एक्सप्रेशन में इस टर्म को नहीं लिखना है, तो मैं इस रिडंडेंट टर्म को दूसरे कलर से ग्रुप कर दे रहा हूँ ताकि हमको वो अलग से दिखे कि हाँ भाई वो रिडंडेंट टर्म है। ठीक है, बात समझ में आई? तो आइए अब लिखते हैं हम फाइनल आंसर। तो इस क्वाड के लिए क्या होगा बच्चों, इधर से देखो, ए बार ऊपर से सी बार, तो ए बार सी बार। इस क्वाड के लिए इन दोनों को देखो, कॉमन है बी बार और ऊपर से कॉमन है सी बार, तो बी बार सी बार। इस पेयर के लिए, इस पेयर के लिए लिखेंगे ए बी इधर से और ऊपर से कॉमन डी, देखो ना ए बी डी। अब इस क्वाड का क्या करोगे, ये है रिडंडेंट टर्म आपके लिए, तो रिडंडेंट टर्म को लिख ही लो, आंसर में मत लिखना इसको। तो रिडंडेंट टर्म क्या है बच्चों, सी डी, और ये आपके लिए इस फंक्शन का रिडंडेंट टर्म है। ठीक है, तो फाइनल आंसर हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू ए बार सी बार, ऊपर नहीं कुछ लिखा है, यही है सारा, ए बार सी बार, ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस, ये तो आएगा नहीं, ए बी डी, सिर्फ तीन टर्म आएंगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आई कि नहीं? तो आई होप बच्चों आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, जितने वैरायटी के क्वेश्चन के मैप में फोर वेरिएबल्स के लिए हो सकते हैं सब मैंने यहाँ पे डाल रखा है, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन को इत्मीनान से डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। बात समझ में आई कि नहीं? आइए अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे गिवन है, और भरते हैं वन को जीरो, देन वन, देन थ्री, देन फाइव, सेवन एंड 13, 15। ठीक है, तो क्या करोगे आप? मैपिंग करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहां दिख रहा है क्वाड, ठीक, और फिर इन दोनों वन का यहां पे दिख रहा है बच्चों क्वाड। यहां देखो ये भी बन गया आपका क्वाड। पासवर्ड नहीं, इसका क्या करना है, तो इसका पेयर ही बनेगा, भाई और कोई उपाय तो है नहीं इसका, तो पेयर ही बनेगा। तो देखिए मैपिंग को हटा हटा के चेक कर लो, तो शायद मुझे लगता है कि किसी मैपिंग को हटाना नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं हटाना है, तो ठीक है भाई नहीं हटाना है, बट एक बार चेक कर लेना आप। अब फाइनल आंसर लिखते हैं, तो ये जो पेयर था उसके लिए हो जाएगा ए बार बी बार और सी बार। इस क्वाड के लिए ए बार और ऊपर से आएगा डी, और इस क्वाड के लिए बच्चों इधर से हो गया बी ऊपर से डी, तो बी डी आंसर हो गया ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार डी प्लस बी डी। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, 8, 3 है ये, उसके बाद 8, 8 के बाद दिया हुआ है 10, 13, देन 15। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब हमें करनी है सारे वन की ग्रुपिंग। तो चलिए आइए करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ दिख रहा है बच्चों क्वाड, इसमें किसी को कोई शक नहीं। अब ये क्वेश्चन बड़ा एक कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे कि इसका और इसका पेयर बना देते हैं,
इस वन का और इस वन का पेयर बना देते हैं बच्चों। यहाँ देखिए क्वाड बन रहा है, इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये, और इसका एडजेसेंट ये, और इसका एडजेसेंट ये। मीन्स ये जो चारों वन है बच्चों, ये एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है। मीन्स इन चारों को लेके हम क्वाड बना सकते हैं। मीन्स ये चारों वन एक दूसरे के एडजेसेंट में है, तो क्या हम इसका क्वाड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बात समझ में आई भाई? मैंने बता रखा है कि ये वाला सेल्स और ये वाले सेल्स, या ये वाला सेल्स एडजेसेंट है। डायग्राम में दिख नहीं रहा है बट है। तो बात समझ में आई? यहाँ पे आपको पेयर नहीं बनाना है, यहाँ पे बच्चों आपको क्या बनाना है, क्वाड बनाना है। अब ऐसे भी आप यहाँ पे देख लो, अगर आप इन दोनों वन को या फिर इसके मैप को फोल्ड करते हो, इसके अबाउट अगर आप फोल्ड करते हो, तो ये दोनों वन इस दोनों वन पे क्या हो जाएंगे, सुपर इम्पोज हो जाएंगे। इधर से भी आप फोल्ड करके चेक कर लो, ये दोनों वन इन दोनों वन पे क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में बच्चों? तो सुपर इम्पोज का उतना ध्यान मत दो, आप मेन ध्यान दो एडजेसेंट का। ठीक है, क्योंकि सुपर इम्पोज में क्या कन्फ्यूजन हो जाता है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर इन दोनों वन के साथ हम क्वाड बना ले, क्योंकि सर देखिए ना, इसके अबाउट अगर आप फोल्ड करोगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। भाई फोल्डिंग आपको दोनों तरीके से करनी है। अगर ऐसे फोल्ड कर रहे हो तो इसके अबाउट भी, मीन्स अगर आप कॉलम वाइज फोल्ड कर रहे हो तो आपको रो वाइज भी फोल्ड करके चेक करना पड़ेगा। ये वाला जो क्वाड है, ये रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरीके से हमने फोल्डिंग करके चेक कर लिया, एक दूसरे पे क्या हो जा रहा है, सुपर इम्पोज हो जा रहा है। और बच्चों सुपर इम्पोज इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये एडजेसेंट्स है, ये जो सेल्स हैं वो क्या है, दूसरे के एडजेसेंट है। बट यहाँ पे फोल्डिंग में सुपर इम्पोज सिर्फ इसी के अबाउट होगा, रो वाइज फोल्ड आप नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? तो मैं तो कहता, अच्छा रो वाइज नहीं फोल्ड कर सकते हो, इसका मतलब ये क्वाड नहीं बनेगा, और क्वाड नहीं बनेगा इसका मतलब ये वाला इसके एडजेसेंट नहीं है और ये वाला इसके एडजेसेंट नहीं है। ये आपस में एडजेसेंट तो है, लेकिन अगर हम चारों वन की बात करें तो चारों वन एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे बच्चों क्वाड नहीं बनाओगे। तो मैं तो कहता हूँ सुपर इम्पोज वाला फंडा हटा ही दो, वो तो दिमाग में लाओ ही मत, सीधे सीधे आप एडजेसेंट वाले फंडे से चलो। भाई ये वन एक दूसरे से एडजेसेंट नहीं है, ये वन एक दूसरे से एडजेसेंट नहीं है, इसलिए जब हम इनका ग्रुपिंग करेंगे तो इसको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि ये इसका एडजेसेंट नहीं है बच्चों। तो ऐसा ना कर देना कि इसका इसके साथ क्वाड बना देना। बात समझ में आई? क्योंकि ये एडजेसेंट नहीं है बच्चों। तो इनका क्या बनेगा, इनका बनेगा बच्चों पेयर, इसका पेयर बना दो। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी मिस कॉन्सेप्ट्स हैं आपको अपने दिमाग से निकालने हैं, इसलिए मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन लिए जहां जहां आपको डाउट हो सकता है। बात समझ में आएगी नहीं? तो हमेशा ग्रुपिंग हम एडजेसेंट सेल के लिए ही करेंगे। तो आइए अब इसका आंसर लिखते हैं। तो इस क्वाड के लिए बच्चों क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, ये जो कॉर्नर वाला चारों वन है उसके लिए क्या हो जाएगा, देखते हैं। इस कॉर्नर में ए और ऊपर से बच्चों डी बार, तो ए डी बार, और यहाँ से है पेयर, पेयर के लिए होगा ए बी बार इधर से और इधर से डी, तो ए बार बी बार डी, फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ए बार बी बार प्लस ए डी बार प्लस ए बार बी बार डी, और कोई छूट तो नहीं रहा है। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं? तो एक एक क्वेश्चन इस लेक्चर का आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जिसने इस लेक्चर के सारे क्वेश्चन के सलूशन समझ लिए उसका के मैप कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो जितनी मैंने बातें इसमें बताई कि आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है या ये स्टेप्स आपको करने हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिए तो कभी जीवन में के मैप नहीं आपका गलत होगा। बात समझ रहे बच्चों? और के मैप मेथड देख रहे हो कितना बेहतर है,
आपको सिर्फ के मैप मेथड में एक ग्रुपिंग वाला ही जो स्टेप है वही थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है, बाकी तो बहुत ईजी है। और मैंने कहा भी था कि के मैप शुरू में अटपटा लगेगा आपको, लेकिन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर और इम्पोर्टेंट टूल है कि फंक्शन एक बार में ही मिनिमाइज हो जाता है। देख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर दे रहा है के मैप, और आपको मेरे ख्याल से मज़ा भी आ रहा है इसको सॉल्व करने में। तो मैंने कहा भी था कि ये के मैप बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बात समझ में आई। और आगे जब आप डिटेल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे तो कहीं भी आपको मिनिमाइजेशन करना होगा किसी भी फंक्शन का, तो के मैप का ही हेल्प लेते हैं बच्चों, इसलिए के मैप पे आपकी पकड़ बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आया समझ में? तो आइए एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन में दिया है बच्चों 0, 1, 2, 2, 8, 8 कहाँ गया, यहाँ पे है 8, 10, 14, यहाँ है 14, और उसके बाद है 15, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, तो ये भी तो बहुत आसान है, आप खुद ही ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले तो क्वाड दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, कॉर्नर वाला क्वाड दिख रहा है, ये देखिए, ये और ये। क्वाड के बाद आपको क्या करना है, इस वन का कैसे करोगे आप ग्रुपिंग? तो इस वन का एडजेसेंट सिर्फ यही है, तो ये हो गया पेयर, ठीक है। इस क्या क्या करना है, तो ऐसा कभी मत करना कि इसका बनाना है इसके साथ और इसका बनाना है इसके साथ। ये वाला ग्रुपिंग जो आपने किया है, आप देखो ये वाला जो ग्रुपिंग किया है ये आपने जबरदस्ती किया है, तो आपको बच्चों इसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप रिमूव कर दो, ये वाला तो रहेगा ही, इसको आपको रिमूव कर, ठीक है। तो यहाँ देखिए ग्रुपिंग कर दी हमने, अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो स्क्वाड वाले का लिख लेते हैं, स्क्वाड वाले का हो जाएगा बी बार डी बार, इस पेयर का ए बी ऊपर से सी, तो ए बी सी, और इस वाले पेयर का ए बार बी बार और ऊपर से सी बार, तो इसका बच्चों फाइनल आंसर आ गया F इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार प्लस बी बार डी बार प्लस ए बी सी। बात समझ में आए बच्चों? तो देखा आप लोगों ने कि कितना बेहतरीन मेथड है के मैप फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, और के मैप से 4 वेरिएबल के लिए क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, मतलब 200% गारंटी है कि के मैप से क्वेश्चन अराइज करता है आपके यूनिवर्सिटी पेपर में। पिछले सेमेस्टर में क्वेश्चन एक गिवन था, उसको भी हम लोग यहाँ पे कर ही लेते हैं। और बच्चों एसओपी फॉर्म अगर आपने समझ लिया तो पीओएस फॉर्म में भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, जितने भी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हैं एग्जैक्टली वही प्रोसेस आपको पीओएस में करने हैं। बस यहाँ जो टर्म्स आप लिख रहे हैं और ये जो वेरिएबल्स का मैक्स मीन टर्म लिख रहे हैं वो सब चेंज हो जाएगा पीओएस में, और आप जानते भी हो कि पेपर में क्या दिया था पिछले सेमेस्टर के, एफ इज इक्वल टू ए बी सी डी सिग्मा स्मॉल एम ब्रैकेट में 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 7, 9, इसको थोड़ा इधर करते हैं, 7, 9, 11, 13 and 15, ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था AKTU 2020-21 सेशन में, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले तो ये फोर वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो फोर वेरिएबल का के मैप बना लेते हैं। तो ये देखिए फोर वेरिएबल का हमने के मैप बना लिया, ठीक। अब इसमें क्या करना है हमको, वन को फिल करना है। तो आइए करते हैं फिल, 1 3 4 5 6 7 5 6 7 9 11 13 एंड 15, ठीक। भरने के बाद आपको करना है मैपिंग। तो मैपिंग जब आप करोगे तो यहां देखो बच्चों, ये 41 इस 41 के साथ क्या बना लेगा, ऑक्टेट बना लेगा। यहां पे देखिए मैंने क्या बना दिया, ऑक्टेट बना दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से ऑक्टेट वाला फर्स्ट क्वेश्चन है ये, अभी तक हमने ऑक्टेट का क्वेश्चन नहीं किया है। चलिए अच्छी बात है, हमने यहाँ पे देख लिया कि ऑक्टेट कैसे बनाना है। अब इनका क्या करोगे, तो ऐसा नहीं कि इनका पेयर बनाना है कि ऐसे किनारे किनारे आप पेयर बना दो, भाई इन दो वन को इन दो वन के साथ आप ग्रुप कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के क्या है, एडजेसेंट है। तो आप इनका इनके साथ क्या बना दो, क्वाड बना दो, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। अब हम लिखते हैं सबके लिए टर्म को। तो ये बच्चों ऑक्टेट है, तो ऑक्टेट में देखिए इधर तो सब चेंज हो रहा है, और आप ऊपर से देखिए, ऊपर से आ गया डी, और स्क्वाड के लिए क्या होगा बताइए, इधर से हो गया ए बार बी, और ऊपर से तो सारा कुछ चेंज हो रहा है, मीन्स कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ गया ए बार बी प्लस डी, ये आपके पिछले सेमेस्टर के पेपर में आया था। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन है, हमने तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन किए, हमने तो ऐसे क्वेश्चन किए कि जिसमें खूब सारा डाउट था, और लगभग हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डाउट था, बट यहाँ देखा आपने पेपर में आपके कितना आसान क्वेश्चन बिना किसी डाउट वाला आपसे पूछा। और ये बच्चों क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, फ्री फंड का 10 मार्क्स, देख रहे हो। तो प्रैक्टिस जबरदस्त है, इसलिए आपको ये आसान लग रहा है, ऐसे नहीं कि आप आसान बोल दोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया इसलिए आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा है। तो बच्चों मैं फिर से कहना चाहूँगा, इस लेक्चर को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे, नहीं कोई क्वेश्चन समझ में आया तो आपको लेक्चर को रिवाउंड करके फिर से दोबारा सुनना है, और एक दो बार अगर आप सुन लोगे तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। तो फोर वेरिएबल्स का के मैप विथ एसओपी फॉर्म हमने सीख लिया है। अगले लेक्चर में मैं आपको के मैप विथ पीओएस फॉर्म पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बट यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में नहीं आया या किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो पीओएस फॉर्म का के मैप और डोंट केयर के साथ के मैप को आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है बच्चों। तो के मैप से, के मैप के रिलेटेड जितने भी मैंने वीडियो लेक्चर डाले हैं उनको आप पढ़िए, और उनको पढ़ने के बाद तब आप पीओएस फॉर्म और डोंट केयर का के मैप पढ़ना, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद आपका, जय हिंद जय भारत।